following my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to find out some cube root of 5 and 6 digit numbers and you will get solutions in second, okay? So, 5 and 6 digit number ke cube root kaise find out karenge, wo bhi seconds mein, iske liye aapko video ko pura dekhna padega, okay guys? And if you like my video, agar aapko meri videos pasand aati hai, to aap usse like kare, share kare and subscribe karna na bhule. Now guys, come to the topic, cube root, okay? So, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट दिया है, ओके? तो ये 1 से 10 तक सभी को लर्न करना बहुत ही जरूरी है, ओके? Once at least 1 से 10 तक सबको लर्न होना चाहिए. So, 1 क्यूब, it means 1 into 1 into 1 कितना होता है? 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, it means 8, ओके? 3 cube is equal to 27, 4 cube is equal to 64, 5 cube is equal to 125, 6 cube is equal to 216. 7 cube is equal to 343, 8 cube is equal to 512, 9 cube is equal to 729 and 10 cube is equal to 1000, okay? तो कम से कम इतना तो learn होना ही चाहिए, okay guys? यहाँ तक 5 तक सबको learn होता है, आप लोगों को सिर्फ ये 6, 7, 8, 9 का learn करना है, 10 का सबको पता होता है, 10 का cube 1000 होता है, okay? तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 6 digit number के कैसे cube निकालेंगे, वो भी seconds में. So guys, इसको solve कैसे करेंगे देखते हैं, वो भी seconds में. ये 6 digit number से 1, 4, 6, 8, 7, 7, okay? ये 6 digit है, ठीक है? तो इसमें कैसे करेंगे, पहले 3 number को लेंगे, okay? 3 digit को पहले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो बच जाएगा, जो left out है, उसको बाद में लेंगे, okay? पहले 3 digit को select करेंगे, उसमें से unit digit लेंगे, okay? तो ये 3 digit में, unit digit आपका 7 है, अब इसमें check करेंगे कि किस नंबर के लास्ट में 7 आ रहा है, ओके? और यहां पर क्यूब रूट में ये पता होना चाहिए कि ये सारे जो भी यूनिट डिजिट हैं इसके क्यूब के, वो सारे ही डिफरेंट है, किसी से मैच नहीं कर रहे, ठीक है? 1 के बाद 8 7 4 कोई एक दूसरे से मैच नहीं है, सिमिलर नहीं है, सब डिफरेंट नंबर है, ओके? यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ओके? तो देख सकते हैं 7 किस पे आ रहा है, 3 पर, 3 के क्यूब पर 27 आ रहा है, तो इसका लेंगे हम 3, ओके? 7 किसके लास्ट में आ रहा है, 3 के क्यूब के, तो यहां पर 3 होगा, अब 148 बचा, ओके? 148 कौन से क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, ओके? तो देख सकते हैं 125 और 216 के बीच में आ रहा है, ओके? 148 125 और 216 के बीच में आ रहा है, तो यानी 6 का क्यूब और 5 का क्यूब लेंगे, अब इसमें से छोटा कौन सा है, 5 का क्यूब, तो स्मॉलर क्यूब लेंगे, यानी ये 53 का क्यूब है, ओके? 148 877 आपका 53 का क्यूब है, इसको आप लोग करके देख सकते हैं, आपका आ जाएगा 148 877, ओके?